रेत माफिया गिरोह पूरे भारत में काम करता है और कई बार अधिकारियों को इन गिरोहों का सामना करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान कर देने वाली घटना में बालू से लदे 13 ट्रैक्टर एक के बाद एक टोल बैरिगेट तोड़ते हुए चले गए। वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो गया है। घटना सीसीटीवी की टाइमिंग के अनुसार सुबह तड़के में हुई। इससे पता चलता है कि सुबह करीब 4:55 पर एक ट्रैक्टर ने तेज गति से एक टोल प्लाजा का बैरिगेट तोड़ दिया। उसके पीछे 12 और ट्रैक्टरों का काफिला उसी बैरिगेट को तोड़ते हुए आगे चला गया। हाथ में लाठियां लिए खड़े टोल संचालक वहां से गुजरते समय ट्रैक्टर संचालकों को लठ से मारने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। हालांकि ट्रैक्टरों में से कोई भी रुका नहीं और आगे बढ़ता चला गया। ये आगरा ग्वालियर हाईवे पर स्थित जाजू टोल प्लाजा है। ट्रैक्टर ग्वालियर से लौट रहे थे और आगरा की ओर जा रहे थे जब ये घटना हुई। राजस्थान उत्तर प्रदेश सीमा पर बढ़ते अवैध खनन के साथ ऐसी घटनाएं काफी आम हो गई हैं। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। ये बहुत कम संभावना है कि इसमें से कोई भी ट्रैक्टर कानूनी पंजीकरण के साथ आया हो। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए एबीपी लाइव के साथ।